Subscribe our channel and press the bell icon to get latest updates of our recipes. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कुकिंग चैनल कुक विद कॉर्डी। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और मटर की सब्जी, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, आलू और मटर की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए उसमें मैंने सबसे पहले लिए एक कटोरी हरे मटर। इनको हमने निकाल के अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया। ये मैंने इसमें दो मीडियम साइज के टमाटर हैं, इनको काट लिया। एक टुकड़ा हम इसमें अदरक का डालेंगे और 7-8 कलियां लहसुन की और एक हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं। अगर आप मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी मिर्च डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये तीन मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से इनका छिलका उतार के इनको काट लिया और उसके बाद अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया। इनको मैंने पानी में डिप किया हुआ है ताकि जब तक हमने सब्जी बनानी है तो इनका कलर है जो वो चेंज ना हो जाए। और मसालों में हम लेंगे, ये मैंने एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लिया, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और एक बड़ा चम्मच है जो हम इसमें जीरा डालेंगे। थोड़ा सा मैंने ये धनिया, हरा धनिया लिया, इसको काट लिया। हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच, ये थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी से जो है इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और एक चुटकी हम इसमें हींग पाउडर डालेंगे। तो हमने ये जो ग्राइंडिंग जार में टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च लिए, पहले हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो उसके बाद हम आलू मटर की सब्जी है जो वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने 2 चम्मच है जो कुकिंग ऑयल डाल दी है। अभी हम इसमें तेल, जैसे ही हमारा थोड़ा गर्म हो जाता है, गर्म हो रहा है, तो अभी हम इसमें एक बड़ा चम्मच जीरा डाल देंगे। अभी हमने इसको 1-2 मिनट के लिए थोड़ा भून लेना है, ऑयल में हम इसको पका लेंगे। और एक ये मैंने बड़े साइज का जो प्याज लिया, इसको काट लिया। एक्चुअली ये वीडियो में रिकॉर्ड पहले नहीं हो पाया जब हम इंग्रेडिएंट्स दिखा रहे थे, तो उसके लिए सॉरी। तो एक हमने ये जो बड़ा प्याज इसमें लेना है। अभी मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ। तो प्याज को अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को हम उतनी देर भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। हमने इसको बहुत जलाना नहीं है, लेकिन जब तक इसका ब्राउन कलर नहीं हो जाता तब तक हम प्याज को भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें एक चुटकी हींग डाल रही हूँ, इसको भी हम प्याज के साथ ही भून लेंगे। तो प्याज हमारे यहाँ जो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अभी ये ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो इसमें हमने जो टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे। और अभी मैं इसमें प्यूरी के साथ ही 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये हमारा धनिया पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, जितना नमक आप पसंद करते हैं वैसे ही हम इसमें नमक डालेंगे। अभी हम इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये मसाले हैं जो वो तेल छोड़ना स्टार्ट नहीं कर देंगे।
तो फ्रेंड्स मैंने ये जार में थोड़ा सा पानी डालकर इन्हीं मसालों में ही ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता और मसाले पूरी तरह से ऑयल नहीं छोड़ देते। जब हमारा ये मसाला पक जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ये किनारों से तेल छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो अभी हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो मसाला हमारा ये जो भी भुन चुका है, देखिए इसने कढ़ाई के साइडों से जो तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो हमने मसाले को तब तक पकाना है जब तक ये तेल छोड़ना स्टार्ट नहीं कर देता। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास मटर लिए थे हमने वो ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से हिला देना है। और ये जो हमने आलू लिए थे वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी से जो हमारी ये आलू मटर की सब्जी है इसकी शेड बहुत ही कलर इसका बड़ा ही प्यारा आ रहा है, देखने में ये बहुत यम्मी लग रही है। आलू मटर की सब्जी है जो वो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको बनाइए, स्पेशली पूरी के साथ इसको सर्व कीजिए, पूरियों के साथ भी ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी हम इसमें, क्योंकि हमारे आलू और मटर दोनों ही कच्चे हैं तो इनको पकाने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। आपने जितनी की ग्रेवी इसकी बनानी है, थिक रखना है तो कम पानी डालिए, लेकिन अभी क्योंकि हमने इसको 10-15 मिनट के लिए पकाना है तो हमें इसमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा। और इसी स्टेज पे मैं इसमें जो हमने गरम मसाला लिया था वो भी ऐड कर रही हूँ और 2-3 इसमें मैं साबुत हरी मिर्च डाल रही हूँ। सब्जी में जब हरी मिर्च हम ऐसे साबुत डालते हैं तो पकने के बाद वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी हम इसको ढक के 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में आपने इसको एक दो बार चेक करना है। तो अभी मैं इसको ढक देती हूँ और ढककर हम इसको 10-15 मिनट के लिए अभी पकाएंगे। तो अभी हम बीच में एक बार सब्जी को चेक करेंगे। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और सब्जी हमारी अभी पक रही है। अभी इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा तो हम इसको थोड़ी देर बाद चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्जी ये जो हमारी है अच्छी तरह से पक चुकी है। आलू भी मैंने चेक कर लिए, अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं धनिया और जो हमने थोड़ी कसूरी मेथी ली थी वो डाल देंगे। कसूरी मेथी से है जो इसके टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। तो इसी स्टेज पे अभी सब्जी हमारी जब बन गई है तो फ्रेंड्स इसी स्टेज पे देखिए मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं तो डालिए, अदरवाइज आप इसको रहने दीजिए। देसी घी से क्या होगा, सब्जी का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अभी हम इसको घी को इसमें मेल्ट होने देते हैं और थोड़ी देर के लिए गैस है बंद कर देते हैं। जैसे ही हमारी सब्जी थोड़ी ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो आप एक बार इसकी लुक देखिए, बहुत ही अच्छी इसकी जो लुक आई है। ठंडा होने के बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आलू मटर की हमारी ये जो बहुत ही टेस्टी सब्जी है वो बन चुकी है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। और आप भी ये रेसिपी एक बार घर पे ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी रेसिपी है, बनाने में बहुत ही ये आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।